एक महिला को प्रेम विवाह करना उस समय भारी पड़ गया जब उसके ससुराली जनों ने उसको मारने का प्रयास किया। फिलहाल उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कानपुर निवासी सुमन ने 2 वर्ष पूर्व थाना रसूलपुर के आशाबाद निवासी प्रवीण से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से सुमन के ससुराली जन उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत उसने थाने में की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। गुरुवार की सुबह उसके साथ फिर से मारपीट हुई और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया। तभी उसने डायल 100 को फोन किया। पुलिस उसको घायल अवस्था में लेकर ट्रॉमा सेंटर आई, जहां उसका इलाज चल रहा है। हेक्स न्यूज़ के लिए मंजन की रिपोर्ट। मेरे आदमी मैं बिना शादी के सुबह यहाँ रह रही 2 साल से, मेरे बिना फुसला के लिए मैं 3 बार पुलिस थाने गई। पुलिस थाने वाले ने बार बार ऐसे कहे कि मुझे उसके संग भेज दो। भेजने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, वो समय हर समय मारता रहता है, उल्टा सीधा उसके घर वाले बोलते सब। अभी 2 बार पुलिस गई, फिर पुलिस के सामने भागे, पुलिस वाले ने उनके सामने घर में मुझे छोड़ के आए उसके घर वाले आए, फिर मुझे बाहर देखो मेरी बात नहीं लगाई, तो भी घर वाले पुलिस चुप में जा बैठे, कोई नहीं सुनवाई कर रही है। कौन से थाने का मामला है? इस रसूलपुर थाना की। आप कहाँ रहती हैं? आशाबाद हनुमान वाली गली। आशाबाद हनुमान वाली गली में जी। कब से रह रही हैं? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका कानपुर है। उस लाके चौमिन ने मुझे उल्टा सीधा कवा के ले आए थे। अब मैं 2 बार मैंने उल्टा सीधा मैंने थाने में बताया तो थाने वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, ऐसे भेज देते हर समय। क्या कह रहे थे थाने वाले? कहते जब उसके संग आई तो सही संग रह जाके। क्या आपसे पति ने दूसरी शादी कर ली है? नहीं, मेन चीज मेरे पति ने नहीं करते, मेरे वो ससुराल वाले वो करते हैं। जब लड़का लेके आया तो जब कुछ नहीं करते, अब जब लड़का लेके रहने लगा तो उल्टा सीधा बोलता आई ससुर सब कुछ मारते। अभी इन लोगों के सामने मारे तो भी ये लोग कुछ नहीं करे, पुलिस थाना कोई सुनवाई। क्या आप लोगों की शादी हुई थी? नहीं सर, मंदिर में शादी हुई थी, करौली मंदिर में। लंबे जी लगाते उसके घर वाले ने। कौन कौन लोग थे वो? उसके ताई, उसके ताई है, ताई है, ताऊ है, उसके लड़का ताऊ के और मेरे घर के ससुराल के सब है। तो आज आपको मारने की कोशिश की? पूरी मारने की कोशिश की है। अब मेरा मोबाइल छीन लिए, मोबाइल तक के नंबर पूरे छीन लिए, पैसे रुपए सब निकाल लिए। अच्छा, आज आपको देखा गया, आप पुलिस की जीप में आई हैं, आपके साथ कोई महिला कांस्टेबल भी थी? कोई नहीं थी सर, तो कोई कह रहे थे, यही कह रहे थे जाओ ले ले अस्पताल में दिया। उनके घर वाला एक आया, बुआ उनकी बन रही थी, बुआ उनके संग भेजे दे रहे थे। मैं उनके संग नहीं आई तो मुझे कह रहे तू घर जा, मैं तुम यहाँ थोड़ा एक्शन लूंगा।